नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु और स्वागत है आप सभी का कुमार भारत एजुकेशन पे। मैं आप लोगों को यूजीसी नेट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का नया अपडेटेड सिलेबस। दोस्तों देखिए, इसके अंदर नए सिलेबस के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत लोगों को ये लगता है कि सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस आपका वही है, लेकिन उसको अब 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और ऑफकोर्स काफी सारे टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, लेकिन बेस आपका वही है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इन नटशेल में आपको बताना चाहूँ कि जो ये 10 यूनिट्स हैं, अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, हमने शुरुआत से ज्योग्राफी पढ़ी है, तो पहले हम ये कर लें कि सबसे पहले हम हमारे फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल स्ट्रांग कर लें, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको ढंग से करके आ सकें। उसके बाद जो नई यूनिट्स एड ऑन हुई हैं, जैसे वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो या सेटलमेंट ज्योग्राफी हो, वहाँ से हमें मॉडल्स पढ़ने हैं। और उसके बाद जैसे आपने देखा कि एक ज्योग्राफिकल टेक्निक एक नई यूनिट है या ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट एक नई यूनिट ऐड हुई है, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। और ये भी बात ध्यान रखें दोस्तों कि इट इज़ वेरी इंपॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सिलेबस, क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक ह्यूमन बींग हैं, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं और कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम स्मार्ट स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, हमारे कौन से जोन स्ट्रांग है, कौन से जोन वीक है, हम उसे स्ट्रांग कर लें और जो हमारे स्ट्रांग जोन्स हैं हमें उन्हें और स्ट्रेंथन करना है। अब हम एक एक को देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐड हुआ है और क्या डिडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आती है यूनिट 1, जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंदर हम जानते हैं कि जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है हमारे ज्योग्राफी का वो कवर होता है, जिसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स हो गए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो गए और जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपकी इसके अंदर आती है। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज काफ़ी सारी आती है इसके अंदर और इस बार आप देख सकते हैं कि क्लियरली मैंशनड है आपको जियोमॉर्फिक साइकिल के अंदर डेविस और पैंक की थ्योरीज याद रखनी है और थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट ये आपके अंदर आया है। इसके अंदर हमने पुराने सिलेबस में अगर देखें तो इसके अंदर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और जितने भी लैंडफॉर्म्स तमाम हैं जो ज्योग्राफिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वो आया करते थे, पर अब उसको शायद कट शॉर्ट कर दिया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम उसको ओवरलुक ना करें और उसका एक ब्रीफ आइडिया हमें होना चाहिए कि कौन सा लैंडफॉर्म कौन से ज्योग्राफिक प्रोसेस से बन रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि बेडलैंड टोपोग्राफी या डोलाइंस या स्टैलेक साइट स्टैलेक माइट्स हो गए या आपके ऑक्सबोलेक मीएंडर्स, ये किन किन तरह के ज्योग्राफिकल प्रोसेस से बनते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए ओवरव्यू कि किस ज्योग्राफिकल प्रोसेस से, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है या ये लैंडफॉर्म इरोजनल है या डिपोजिशनल है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है क्लाइमेटोलॉजी सेकेंड यूनिट के अंदर, जो मोर ऑर लेस सेम है लेकिन इसके अंदर एक नई चीज ऐड हुई है, वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और जिसका क्वेश्चन भी आया था जो 20 जून को पेपर हुआ था और GLOF, इसको ग्लोफ कह सकते हैं इसको हम। तो बेसिक नॉलेज अगर आपको इसके बारे में अगर होती है तो आप उसको दे पाएंगे। और उसके अलावा इसके अंदर देखें तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो आता है वो एटमॉस्फेयर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आता है, गैसेस कंपोजिशन इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन्स एंटीसाइक्लोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एयर मास फ्रंट्स फ्रंटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नया कुछ इसके अंदर ऐड हुआ है वो है ENSO, जिसको हम इल नीनो और सदन ऑसिलेशन कहते हैं और ये पहले भी इम्प्लिसिट था। अगर आप मानसून पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इल नीनो और सदन ऑसिलेशन क्या होता है। और तो किसी तरह का कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई एक टॉपिक नया ऐड हुआ है। यस, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपेंस एंड थॉर्न वेट्स क्लाइमेटिक रीजन्स। नेक्स्ट है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के अंदर मोटा मोटा आपसे ओशन बॉटम के रिलीफ फीचर्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ओशन रिलीफ के अंदर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और आपके डीप सी प्लेन्स, एबिसल प्लेन्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो बेसिक अगर इसका आपको आइडिया है तो आप इसको लगा पाएंगे। कुछ नया इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है और वही चल रहा है। यस, फोर्थ यूनिट जो है वो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट एक नई यूनिट है एक तरीके से। और बेसिक अगर आपको EVS की नॉलेज है, एनवायरमेंटल साइंस की अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप इसके कुछ आसान टॉपिक्स लगा पाएंगे, जैसे फूड चेन हो गया या फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लोस, ट्रॉपिक लेवल। इसमें से भी रिसेंटली क्वेश्चन 20 जून के एग्जाम में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से आया था। तो ये जो पूरी यूनिट है वो स्पेसिफिकली डिवोटेड है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंट। जिन लोगों ने भी मास्टर्स किया है ज्योग्राफी के अंदर उनको पता होगा,
उन्होंने बायोजोग्राफी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ यूनिट की तरफ और इसका नाम है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। और इसके अंदर बेसिकली दो डिविजन्स हैं, एक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी और दूसरी है सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी थ्योरीज हैं पॉपुलेशन की, चाहे वो माल्थस की हो, वो सेडलर की हो, चाहे रिकार्डो की हो, चाहे वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो, वो आपको आनी चाहिए। जो नया एडिशन नए सिलेबस में हुआ है वो इन्हीं का हुआ है, माल्थस और सेडलर की थ्योरी इसके अंदर ऐड हुई है और इसका क्वेश्चन 20th जून के पेपर में सेडलर की थ्योरी से आया था। तो आप ये मान के चलिए कि इस यूनिट के अंदर आपको ज़्यादा फोकस थ्योरीज पे रखना है, क्योंकि इस बार पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया है, पॉपुलेशन थ्योरीज से, तो पूरा पूरा एक बनता है कि माइग्रेशन मॉडल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी और इसके अंदर भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन्स ऑफ टाउन्स, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसके अंदर अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अपनी थ्योरीज दी है। फॉर एग्जांपल हेनरी पायरिन ने दी है, लुइस मम्फर्ट ने दी है और गॉर्डन चिल्डर ने दी है। तो इसमें से क्वेश्चन आया था दोस्तों, अगेन 20 जून के पेपर के अंदर क्वेश्चन लगा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी से क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली ये जितने ये जो प्रॉपर यूनिट है, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, इसके अंदर हमें थ्योरीज पे ज़्यादा ध्यान देना है, जितने भी मॉडल्स हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग जो उसके अंदर मॉडल्स पहले से थे वो थे थ्योरीज ऑफ अर्बन लैंड यूज, सेंटर प्लेस थ्योरी, रैंक साइज रूल, ठीक है, ये इस तरह की जो थ्योरीज हम पढ़ते आए हैं, पहले भी पढ़ते आए हैं और आई एम श्योर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसमें अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी है, तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा। और क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ सकता है दोस्तों कि ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, और कभी कभार ईयर भी पूछा जाता है तो हम उसको देखेंगे। और जो इसके अंदर नया ऐड हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेगा सिटीज, ग्लोबल सिटीज और एज सिटीज हुआ है, इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है। और आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस फैक्चुअल्स अभी आ रहे हैं, फैक्चुअल बेस आ रहे हैं। यस, आपकी रेंज बहुत अच्छी होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर इफ यू आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, लेकिन आपको हर एक टॉपिक में एक महारथी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओवरऑल पता है कि कौन सी चीज़ क्या है तो आप उससे भी क्वेश्चंस एलिमिनेशन से लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है ये यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, और इस यूनिट को बेसिकली क्लब कर दिया गया है काफ़ी सारे टॉपिक्स को मिलाकर, जिसके अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है और एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी आती है, जो पहले अलग अलग हुआ करती थी। और इसके अंदर बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन आएगा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इस बार के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन था, आपको मैच द फॉलोइंग करना था कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी है, तो ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन एक्टिविटीज़ से घूमता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से क्या आ सकता है। इस बार के पेपर के अंदर एग्रीकल्चरल सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड से क्वेश्चन आया था और इसके अंदर मुझे मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो है वॉन थिनन मॉडल ऑफ लैंड यूज, और ये काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है। प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर ये शुरुआत में बहुत बार आया था लेकिन अब कुछ 1-2 साल से नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके चांसेस इस वाले दिसंबर अटेम्प्ट में बढ़ जाते हैं। और मोटा मोटा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमें वॉन थिनन मॉडल बहुत अच्छे से करना है और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड अच्छे से करना है, और बाकी फिर छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे क्रॉप कॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वो आप कर लेंगे। फिर इसके बाद इसी के अंदर है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, दोस्तों इसके अंदर भी कुछ नया ऐड हुआ है। इसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल्स आया करते थे और अभी भी यही आते हैं, पर अब इसके अंदर कुछ और मॉडल्स भी ऐड हो गए हैं। पहले पुराने सिलेबस के अंदर इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वेबर की और लॉस्ट की पूछी जाती थी, और अब इसके अंदर हुवर की और प्रेड की, स्मिथ की थ्योरीज भी आ रही हैं। तो ये इस यूनिट का जो मेन यूएसपी है वो यही है कि आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज बहुत अच्छे से करनी है। और उसके बाद कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे ICT ऐड हुआ है और आपका टूरिज्म इंडस्ट्री और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसको हम देखेंगे। मोटा मोटा इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल्स ध्यान रख रहे हैं, और अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो इंडस्ट्रियल लोकेशन वही है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगाए, रॉ मटेरियल के पास लगाए या मार्केट सेंटर के पास लगाए, तो उसी के ऊपर अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं और फिर थ्योरी से उसको हमें ध्यान रखना है। इसी के अंदर ज्योग्राफी और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, और इसके अंदर माइग्रेशन मॉडल्स जैसे फ्लो मॉडल्स हो गए, कनेक्टिविटी मॉडल्स हो गए,
और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नया ऐड हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स, ये कुछ ऐड हुआ है जो मोटा मोटा हम जानते हैं। लास्ट रीजनल डेवलपमेंट इसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाता है फंक्शनल रीजन्स या फॉर्मल रीजन्स या टाइप्स ऑफ रीजन्स, और अलग अलग इसके अंदर थ्योरीज हैं जैसे हिर्शमैन की थ्योरी है और डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट है, इन सबको हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 अलग अलग सब ब्रांचेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया और रीजनल हो गया। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हर इसमें से एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से मॉडल से ही क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कल्चरल एंड सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और ये एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है जिसके अंदर हम कल्चर और ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये पहले भी थी, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर भी दोस्तों पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर दो बहुत वेरी फेमस थ्योरीज हैं, एक हार्टलैंड थ्योरी है मैकेंडर की और एक रिमलैंड थ्योरी है, तो इन दोनों थ्योरी को हम अच्छे से करेंगे, और इसके अलावा जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जैसे रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, आसियान, ओपेक, ईयू, इनमें से क्वेश्चंस इस बार के पेपर में आए थे। ओपेक से काफ़ी बार क्वेश्चन आते थे पहले भी और अभी भी आ रहे हैं, और सार्क से भी आए हैं, आसियान से भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था शायद कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क है, आसियान है, ओपेक है या ईयू है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, और ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म और ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट का सार ये है कि हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज हमें ढंग से करनी है, और ये रीजनल कोऑपरेशन जितने भी संगठन हैं उनके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है। अब जो यूनिट आ रही है दोस्तों, यूनिट 8th ज्योग्राफिकल थॉट, ये यूनिट बहुत से बच्चों को बोर कर सकती है, लेकिन ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल्दो उसका सिलेबस थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन मोटा मोटा सिलेबस आपका वही है, और इसके अंदर अब जो नया चेंज है कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको कौन कौन से ज्योग्राफर्स पढ़ने हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको अब पता है कि मुझे एंशिएंट पीरियड के अंदर या मिडिवल पीरियड के अंदर या मॉडर्न के अंदर किन किन ज्योग्राफर्स पर फोकस रखना है। इसकी अप्रोच में आपको अगर बताना चाहूँ दोस्तों कि आपको हर एक ज्योग्राफर को थोरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके बस कंट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, और ये पढ़ना है कि कौन सिस्टमेटिकली कौन से सीक्वेंस में आया था, आपको ये पता होना चाहिए, और मॉडर्न ज्योग्राफर्स कौन हैं, पॉसिबलिस्ट कौन है, डिटर्मिनिस्ट कौन है, और न्यू डिटर्मिनिस्ट कौन है, प्रोबेबलिज्म के प्रमोट करने वाले कौन हैं, पॉसिबलिज्म कौन कर रहे हैं, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ताकि इससे आपको क्या होगा कि आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप सब कुछ दिमाग के अंदर नहीं घुसा सकते, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो हम इसके अंदर इस तरह से पढ़ते हैं कि हम मोटा मोटा जान लें कि हाँ पहले एंशिएंट पीरियड था, तब ये ज्योग्राफर्स थे, मेडिवल के अंदर ये ज्योग्राफर्स थे, मॉडर्न के अंदर फिर ये ज्योग्राफर्स आए। कुछ इसके अंदर दोस्तों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज्योग्राफी के अंदर डुअलिज्म कौन लाया, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर डुअलिज्म कौन लाया, बार बार ये क्वेश्चन आया है, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको इस साल के पेपर में 20th June के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। अगर आपको पता हो कि डुअलिज्म कौन लेकर आया, तो आप एक ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इमैनुअल कैंट है, स्ट्रैबो है इसके अंदर, और इसके अंदर कार्ल रिटर है, तो बहुत फेमस ज्योग्राफर्स हैं, इंडियन ज्योग्राफर्स भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसको दिमाग में भी ये रखें कि ये यूनिट पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बार आ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं बार बार। अब जो लास्ट सेकेंड यूनिट है हमारी, वो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ये यूनिट दोस्तों काफ़ी एलैबोरेट हो चुकी है, और इसके अंदर आपका बेसिकली पूरा फ्रॉम ग्रेजुएशन टू योर मास्टर्स जितना भी आपने अगर ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल किया है उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स आ चुके हैं इसके अंदर। मोटा मोटा अगर हम इसको कवर करें तो आपको पता होना चाहिए मैप्स कितने तरह के होते हैं, मैप मेकिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कोरोक्रोमैटिक होता है, कोरोस्कीमैटिक होता है, आइसोप्लेथ होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, और क्वेश्चन इनसे यहीं घूमता है मैच द फॉलोइंग का, कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको फिर मिलाना है कि ए के साथ कौन सा आएगा, बी के साथ कौन सा आएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर एरियल फोटोग्राफी, DEM, ये कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर इसके अंदर कोरिलेशन, रिग्रेशन और थोड़ा सा मीन, मोड, मीडियन आता है, जो इस साल के पेपर में नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों बनती है कि नेक्स्ट ईयर के पेपर में ये ज़रूर आएगा, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब आखिर में दोस्तों आती है हमारी लास्ट यूनिट, जो लास्ट एंड फाइनल यूनिट है हमारी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, वही आपको पढ़ना है। सबसे पहले अब शुरुआत कर लीजिए इंडिया के फिजिकल डिविजन से, उसके बाद आप पढ़िए इंडिया का क्लाइमेट, उसके बाद आप पढ़िए इंडिया का ड्रेनेज,
फिर आप सॉइल्स पढ़िए, उसके बाद रिसोर्सेज पढ़िए, और धीरे धीरे पॉपुलेशन और इस तरह के टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। जितने भी हैजार्ड्स हुए हैं इंडिया के अंदर वो आपको देखने हैं कौन कौन से हुए हैं। तो ओवरऑल ये यूनिट वैसी ही है, इंटैक्ट है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर दोस्तों हमने यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस को डिकोड किया और हमने एंटिसिपेट किया कि क्वेश्चंस कहां कहां से लग सकते हैं, कहां कहां से आ रहे हैं और हमें किस तरह से पढ़ना है। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।